हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज आईक्यू। इस सेशन में हम आपसे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है कैल्केरिया कार्प। ऐसे फुल नेम होता है कैल्केरिया ऑस्टेरम या फिर कैल्केरिया कार्बोनिका। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल्स, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टाइसिनेटिंग द इनर स्नो वाइट पोर्शन ऑफ द ऑयस्टर सेल्स। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर ऑफ द ऑयस्टर सेल्स। ये एक एंटीसोरिक रेमेडी होता है और बहुत ही अच्छी कंस्टिट्यूशनल रेमेडी होता है, तो इस वजह से इसमें हमें कंस्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा खास देखने को मिलेगा और बहुत ही पिकुलियर कंस्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये इस रेमेडी को पढ़ने से पहले हम एक आउटलाइन देख लें इस रेमेडी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है इसका कॉजेशंस। कॉजेशंस के बाद माइंड, बहुत ज़्यादा पिकुलियर नहीं है बट सही है, एक दो लाइन आपको इंपॉर्टेंट माइंड देखने को मिलेंगे इसमें। एंड इसके बाद जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बोन एफेक्शन। क्यों? क्योंकि कैल्केरिया कार्बोनिका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कैल्शियम है, और हमारे बोन के लिए क्या होता है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब ऐसे कोई भी टिश्यू जिसमें कि कैल्शियम का स्टोरेज हो या फिर कैल्शियम उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल हो, इंपॉर्टेंट हो, तो उन सारे टिश्यू पे इसका इफेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें बोन एंड टीथ पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, टीथ में भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है। आफ्टर दैट कुछ हमें इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो इसका बहुत ही पिकुलियर होगा, खास होगा, जैसे कि इसका स्वेटनेस, कोल्डनेस, ठीक है। तो ये बहुत ही इसकी गाइडिंग सिम्टम्स होती है। एंड देन इम्पॉर्टेंट पार्ट विल बी द GI सिम्टम्स, एंड आफ्टर द GI सिम्टम्स कुछ जो इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा वो होता है फीमेल सिम्टम्स, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, ठीक है। एंड देन कुछ रिलेशंस के साथ हम इस ड्रग को एंड करेंगे। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम कंस्टिट्यूशन पे नज़र डालें कि इसका कंस्टिट्यूशन कैसा होता है। इसके कंस्टिट्यूशन को डॉक्टर ML टाइलर चौकी कम्प्लेक्शन के साथ कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि इसका जो कंस्टिट्यूशन होता है, ठीक हम कह सकते हैं कि फिटनेस विदाउट फिटनेस। मतलब क्या है कि जिस तरह आप चौक देखते हो तो चौक एकदम फैट होता है, मोटा हो, मतलब खुला हुआ पार्ट आप कह सकते हो, लेकिन उसमें वीकनेस होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। ठीक तो होता है चौक, लेकिन स्ट्रांग नहीं होता है। तो क्या है कि फिटनेस विदाउट फिटनेस, फैट तो है, मोटा तो है, बट फिट नहीं है, इंटरनली फिट नहीं है, इंटरनली वो वीक होता है। तो ऐसे ही ठीक पेशेंट होते हैं कैल्केरिया कार्प। देन होता है कि स्वेटिंग विदाउट हीट। जनरली स्वेटिंग कब होती है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उस कंडीशन में स्वेटिंग होती है। लेकिन ये एक ऐसा पेशेंट है कि जिसमें कि स्वेटिंग होती है विदाउट हीट, मतलब हीट नहीं होता है और बिना हीट का, बिना गर्मी का ही स्वेटिंग होता है, ठीक है। एंड थर्ड होता है बोन विदाउट स्ट्रेंथ। बोन तो है लेकिन बोन में स्ट्रेंथ नहीं है, मींस इंटरनली बोन इज वीक। सिंपली आप अगर कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि टिश्यू माइनस क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। मींस क्या है कि टिश्यू में क्वांटिटी है बट क्वालिटी नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ये फैटी हो जाता है, फैट होता है, बट क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो मतलब क्या है, सिंपली यू कैन से दैट द पर्सन आर फ्लैबी बल्कि विद द वीकनेस एंड वियरीनेस, ठीक है। बल्कि होगा, फ्लैसी होगा, बट वीकनेस होगा, इंटरनली वीक होगा, लेजी होगा, तो इस तरह के पर्सन होते हैं। इन वन लाइन यू कैन से दैट द पर्सन विल बी फेयर, फैटी एंड फ्लैबी। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखने हैं कैल्केरिया कार्प में, कि बंदा जो होगा कम्प्लेक्शन उसका फेयर होगा, लाइट कम्प्लेक्शन का होगा, फैटी होगा एंड फ्लैबी होगा, ठीक है। तो इट इज मेनली सुटेड फॉर द सोरिक एंड ल्यूकोफ्लैग्मेटिक कंस्टिट्यूशन। चूंकि हमने बताया कि ये एंटीसोरिक रेमेडी है, तो सोरिक कंस्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ये अच्छा सूट करता है।
एंड देन लिकोफ्लैगमेटिक कंस्टिट्यूशन, जो लिकोफ्लैगमेटिक कंस्टिट्यूशन का बंदा होता है उसमें टेंडेंसी होती है कि धीरे धीरे वो फैट होता चला जाए, तो टेंडेंसी टू ऑबेज, स्लो टू एक्ट, और बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, उसकी एक्टिविटी स्लो होगी, उसका रिएक्शन स्लो होगा, किसी भी तरह एक्साइटेशन देखने को नहीं मिलता, फ्लैबी होगा। तो ये होता है लिकोफ्लैगमेटिक कंस्टिट्यूशन। तो ऐसे कंस्टिट्यूशन के लिए कैल्केरिया कार्प को प्रीफर किया जाता है। साथ ही इसमें ब्लॉन्ड हेयर देखने को मिलता है। ब्लॉन्ड हेयर आप कह सकते हो कि भूरे कलर का हेयर, खास करके जो अंग्रेज वगैरह का बाल होता है तो उसी तरह का ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, हम लोगों के इंडियन पर्सन में तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो अंग्रेजों में देखने को मिलेंगे ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है। फेयर कम्प्लेक्शन, लाइट कम्प्लेक्शन, गोरा चिट्टा चौक की तरह, ब्लू आइज एंड हैविंग टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन द यंग, तो जो यंग एज के लोग होंगे, ठीक है, तो उनमें ओबेसिटी के ज़्यादा चांसेस होती है, मोटा होने का ज़्यादा चांसेस होता है, धीरे धीरे वो मोटा होते चला जाएगा, बट इंटरनली बंदा वीक होता है। तो ये होते हैं कैल्केरिया कार्प के पेशेंट। देन पेशेंट गेट इजिली फैटिग एंड टायर्ड ऑन द वॉकिंग। तो चूंकि पेशेंट तो इंटरनली वीक होता है, ठीक है, सिर्फ देखने से वो मोटा फुला हुआ लगता है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी थक जाता है, जब थोड़ा बहुत टहलता है तो उसी से वो थक जाता है, ठीक है। पर्सन्स आर डिस्पोज टू ग्रो फैट कॉर्पुलेंट अनवाइजली, तो मतलब इसमें चर्बी बढ़ जाता है, और एक ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी पार्ट पे चर्बी बढ़ गया, इधर फैटी ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये होता है कि अनवाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फैट होता है लेकिन एक रेगुलर मैनर में नहीं होता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ द अनड्यू फैट एंड डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फैट ओवर द बॉडी, ठीक है, तो एक रेगुलर अमाउंट में नहीं होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इस तरह का कम्प्लेक्शन होता है कैल्केरिया कार्प। तो देखने से आपको लग जाना चाहिए ये कैल्केरिया कार्प का पेशेंट है। अब आइए कैल्केरिया कार्प का चाइल्ड जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें पिकुलियर देखने को मिलती है। कैल्केरिया कार्प की अगर चाइल्ड की बात करें तो इसके चाइल्ड का अपियरेंस जो होता है वो रेड फेस होता है, चौकी लुक होता है, एंड फ्लैबी मसल्स हु स्वेट इजिली एंड टेक्स कोल्ड रीडली, तो इसमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके फिजिकल जनरल वाले पार्ट में। एंड टेक्स कोल्ड रीडली मीन्स पेशेंट इज चिली, तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू कोल्ड, ठीक है, कि थोड़ा सा भी अगर कोल्ड एक्सपोजर होता है तो इसमें प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। एंड देन लार्ज हेड एंड एब्डोमेन, इसका हेड बहुत ही बड़ा, एब्डोमेन आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लैबी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा इसमें अपियरेंस होता है विद द ओपन फॉन्टेनेलिस एंड सूचर्स, और इसके जो सूचर्स और फॉन्टेनेलिस होते हैं, इंटीरियर फॉन्टेनेलिस, पोस्टीरियर फॉन्टेनेलिस, तो ये ओपन होते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसका बोन का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, वीक होता है, सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से इसका फॉन्टेनेलिस एंड सूचर्स जो होता है वो फ्यूज नहीं हो पाता बच्चे का, ठीक है, उस टाइम तक फ्रेजाइल ही रहता है। बोन्स आर सॉफ्ट एंड डेवलप टू स्लोली, ठीक है, तो चूंकि बोन सॉफ्ट होता है बहुत ही स्लो डेवलपमेंट करता है, तो इसलिए बहुत जल्द मतलब जल्दी ऑसिफिकेशन नहीं हो पाता है। डिफिकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन, क्योंकि बताया कि कैल्शियम और फॉस्फेट की जनरली डिफिशियंसी होती है, तो इसमें डेंटिशन भी स्लो होता है, डिलेड होता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड, चूंकि बोन वीक है तो बहुत जल्दी ये चलना भी नहीं सीख पाएगा, बहुत जल्दी टहलना भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है, खड़े भी नहीं हो पाएगा बंदा। तो चूंकि ऐसे बच्चे में आपको कह सकते हो कि एक डिलेड माइलस्टोन, डेवलपमेंट स्लो होगा क्योंकि बोन वीक है, सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, उतना ज़्यादा भी बोन में स्ट्रेंथ नहीं आया है कि बच्चा खुद के पैर पे खड़ा हो सके। तो ऐसे होते हैं कैल्केरिया कार्प के चाइल्ड और कैल्केरिया कार्प के पेशेंट। चिल्ड्रेंस हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, तो चूंकि बोन वीक है तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता, तो चलने की तो कोई टेंडेंसी होगी नहीं, और ट्राई भी नहीं करता है क्योंकि खड़ा होता है गिर जाएगा, ऐसा चूंकि बोन तो वीक है। देन है अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स भी फ्लैसी होगी, प्लेथोरिक, प्लेथोरिक का मतलब आगे उसके माउथ वाले पार्ट पे गाल चिक रेड रेड हो जाता है, तो इस तरह से आपको रोजी अपियरेंस देखने को मिलता है, तो ये होता है प्लेथोरिक। एंड ग्रो टू रैपिडली, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा मार्क होता है कि जो इसकी फीमेल होती है, गर्ल्स होती है, वो बहुत फास्ट ग्रो करती है, ठीक है। आइए इसके बाद कॉजेशंस पे थोड़ा हम लोग नज़र डालें। कॉजेशंस की अगर हम बात करें
तो कॉजेशंस इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिफेक्टिव असेंबलेशन एंड इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन। क्योंकि मेजर पार्ट हम लोग देखें कि इसका बोन का सिम्टम्स है, बोन इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये बोन इन्फेक्शन होता क्यों है? तो ड्यू टू द डिफेक्टिव असेंबलेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो सबसे पहला डाइजेशन होता है एंड आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन। मीन्स हमने खाना खाया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, देन ग्लूकोज पासिस इन टू द ब्लड, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे बॉडी का सेल्स एंड टिश्यू जो उस एब्जॉर्ब फूड को यूज करता है ना, दिस इज कॉल्ड एज असेंबलेशन। तो यहाँ पे असेंबलेशन सही से नहीं हो पाता। मतलब आप कहते हो ना कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि खाना खाता है लेकिन उसके शरीर में लगता नहीं है। कहते हैं भाई खाना तो खाते हो लेकिन तुम्हारे शरीर में लग कहाँ रहा है खाना, तो मतलब खाना जाता कहाँ है। खाना खाता सही है लेकिन उसमें असेंबलेशन नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यू उतने अच्छे से उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। तो ये होता है डिफेक्टिव असेंबलेशन एंड ऑसिफिकेशन, इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन चूंकि सही टाइम पे हो नहीं रहा है, डिलेड ऑसिफिकेशन है, तो इन सारी चीज़ों के वजह से इनमें प्रॉब्लम होती है और इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। देन सप्रेस फ्लूइड के कारण देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ चूंकि हमने ये बताया कि पेशेंट चिली होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आपको इसमें कोल्ड एक्सपोजर से भी देखने को मिलेंगे। लाइक बहुत सारे पेशेंट में आपको यूरेमिया देखने को मिलता है। यूरेमिया का मतलब है कि ब्लड में यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। तो यूरेमिया लाइक डिजीज या फिर और भी डिजीज आपको देखने को मिलेंगे, लाइक जैसे मॉडलर्स या वर्कर्स जो कि कोल्ड क्ले में काम कर रहा हो या फिर स्टैंडिंग इन द कोल्ड और डैम्प पेवमेंट वर्किंग व्हाइल स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कि कोल्ड एक्सपोजर हो, तो ऐसे सारी चीज़ें से उसमें प्रॉब्लम होगी। और ऐसे बंदे जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में अगर काम करते हो, वर्क करते हो, उसमें इसकी प्रॉब्लम कंप्लेंट देखी जाती है। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है माइंड। माइंड की अगर हम बात करें तो माइंड में बस एक या दो सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि फियर सी विल लूज हर रीजन और दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। तो इसको ऐसा डर रहता है कि इसका कन्फ्यूजन या इसका रीजन लोगों को पता चल जाएगा, लोग ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये बंदा कन्फ्यूज है, ठीक है, या इसकी ये प्रॉब्लम है, ऐसा इसको लगता है, डर बना हुआ रहता है कि लोग इसको ऐसा ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। देन होता है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। फॉस्फोरस में भी आपको ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या है? डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड का मतलब है कि ये बंदा चाहता है कि सेल्फ सेंटर्ड हो, मीन्स लोग आए और इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो, इसको ज़्यादा देखे, इसको ज़्यादा फोकस मिले, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे लोगों देखने को मिलेंगे जो कि देखिएगा फंक्शन वगैरह में अगर कहीं जाता हो या कोई भी ऐसा चीज़ें हो तो उसमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे रखता है कि लोग आए तो लोग का फोकस उस पे बना हुआ हो, तब इसके एक मन में भ्रम होता है। तो डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, ऐसा ये होना चाहता है, तो ऐसे होते हैं कैल्केडिया कार्ड के पेशेंट। एंड देन बोरिक में एक लाइन है, अप्रीहेंसिव एंड वर्स टू आस इवनिंग, मीन्स इसमें एक डर भी रहता है और ये डर खास करके इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अप्रीहेंसिव एंड वर्स टू आस इवनिंग, ये इसका होता है मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स के बाद जो इसका बहुत ही ज़्यादा पिकुलियर है वो अभी हमने चाइल्ड में भी देखा था और वो होता है इसका बोन अफेक्शन। तो बोन अफेक्शन चूँकि हमने बताया कि इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सही ढंग से, तो इसके कारण इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो सिंस दिस रेमेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्टिव असेंबलेशन, एब्जॉर्प्शन होता है बट यूज नहीं हो पाता है, एंड द इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, सो बॉन्स आर सॉफ्ट वीक एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप। क्योंकि कैल्शियम है नहीं, तो चूंकि बोन के ऑसिफिकेशन के लिए, बोन के स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, बट यहाँ पे कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, दैट्स व्हाई बोन्स आर सॉफ्ट वीक and takes long time to develop. Even after maturing, they remain fragile, and that's why curvature of bone is common features of the calcarea carb patient. Means, bone चूंकि weak होता है, अगर maturity हो भी गई तो mature होने के बावजूद भी ये bone weak and fragile ही रहता है, जिसके वजह से कि इसमें curvature बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। bone बहुत ही ज़्यादा जो long bones होते हैं वो curve हो जाता है, ठीक है। इसका जब आप पैर देखोगे ना तो इसका पैर एकदम बो लाइक धनुष लाइक बन जाता है, कर्व हो जाता है, क्योंकि बोन में स्ट्रेंथ है नहीं तो जो कि स्ट्रेट हो पाएगा, तो बोन धीरे धीरे कर्व हो जाता है। तो कर्वेचर ऑफ बोन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। बोन्स आर अनेबल टू होल्ड द वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द बल्क,
तो चूंकि बोन वीक होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट को ये लिफ्टअप नहीं कर पाता है, उसको होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा बोन में स्ट्रेंथ नहीं होता है। एंड ऑल दिस सिम्टम्स आर मोर मार्क इन द रिकेटी चिल्ड्रेन। तो रिकेट, जिस चिल्ड्रन में रिकेट डेवलप होता है तो वैसे उस चिल्ड्रन में ऐसे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो रिकेट होता है वो जनरली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी होता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। तो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो सैमिनेशन की कोई बात ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाएगी। तो रिकेट चिल्ड्रेन में आपको इस तरह का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। एज द बोन्स आर वीक सो देयर इज अ डिलेड एंड डिफिकल्टी लर्निंग टू वॉक, ठीक है। तो चाइल्ड सिम्टम्स में भी हमने पहले डिस्कस किया है कि चूंकि बोन इसका वीक होता है, स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं, सही ढंग से चल नहीं पाते हैं, तो लर्निंग टू वॉक बहुत ही ज़्यादा इसका स्लो होगा, ठीक है, धीरे 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 वॉकिंग के लिए ये लर्निंग होगा। फाउंटेनेस एंड सुचर्स रिमेन ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड डिलेड डेंटेशन, चूंकि इसके टीथ में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो टीथ होता है इसका उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, बहुत फास्ट डेवलप नहीं होता है, तो ये भी डिलेड लेट से डेवलप होता है, तो डिलेड डेंटिशन होता है। इसके बाद आइए, देन है इम्पॉर्टेंट फिजिकल जनरल सिम्टम्स। फिजिकल जनरल सिम्टम्स में हम दो चीज़ें बताएं हमने, एक होता है स्वेट और पर्सपायरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर होता है, एंड आफ्टर द स्वेट एंड पर्सपायरेशन कोल्डनेस, ठीक है। तो पहले हम लोग स्वेट को देखें कि स्वेट इसका कैसा होता है। स्वेट की अगर हम बात करें तो हेड स्वेट प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग वेटिंग द पिलो फार अराउंड, जैसे सिलिसिया एंड सेनिकुला में भी इस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसके हेड पे बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलता है, खास करके जब बंदा सो रहा होता है, और इतना स्वेटिंग होता है कि जिस तकिए पे बंदे का सर होता है वो तकिया पूरा भीग जाता है, ऐसा सिलिसिया एंड सेनिकुला में भी देखने को मिलेगा। प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन मोस्टली ऑन द बैक ऑफ द हेड, नेक और चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, खास करके इसका जो पर्सपायरेशन होता है, स्वेटिंग सबसे ज़्यादा बैक ऑफ द हेड पे होता है, ठीक है, या नेक पे होगा, या फिर चेस्ट रीजन में देखने को मिलता है, या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा पर्सपायरेशन स्वेटिंग यहीं देखने को मिलता है। कभी कभी आपको स्वेट ऑफ द सिंगल पार्ट भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी में स्वेटिंग होगा, कुछ पार्ट में स्वेटिंग होता है, ठीक है, सिंगल पार्ट पे, जैसे कि हेड पे स्वेटिंग हुआ सिर्फ, या सिर्फ स्कल्प पे स्वेटिंग हुआ, नेप ऑफ द नेक, चेस्ट, एक्जिला, सेक्सुअल ऑर्गन, हैंड, नीज, फुट, सोल, ETC, ठीक है। तो मतलब सिंगल पार्ट पे स्वेटनेस देखने को मिलता है, स्वेटिंग देखने को मिलता है, और स्वेट इसका कोल्ड होता है, तो विथ कोल्डनेस, ठीक है। तो ये होता है कैल्केरिया कार्प का पेशेंट। देन स्वेट इज सावर स्मेलिंग। एक्चुअली अगर हम बात करें तो इस ड्रग का जितना भी डिस्चार्ज होता है वो जनरली सावर होता है। हमने इससे पहले भी आपको एक ड्रग में डिस्कस किया था कि डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज किस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो जनरली डिस्चार्ज होता है वो सबके सब सावर होते हैं, इस वजह से इसका जो स्वेटिंग होता है वो भी क्या होता है, सावर स्वेटिंग होता है, ठीक है। रॉनेस ऑफ द सोल ऑफ फिट फॉर्म पर्सपायरेशन, इतना ज़्यादा पर्सपायरेशन होता है कि इसके जब आप फिट को देखेंगे तो एकदम पूरा रॉ सरफेस की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके फिट पे, सोल पे ब्लिस्टर्स, ऑफेंसिव स्वेट, इसका स्वेटिंग जो होता है बहुत ही ऑफेंसिव होता है, ठीक है, बहुत ही गंदा स्मेल करता है। तो ये होता है कैल्केरिया कार्प का पेशेंट में स्वेटिंग। अब आइए, इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है कोल्डनेस। तो ये पेशेंट चिली होते हैं, तो इसमें कोल्डनेस के भी सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। हो सकता है कि कोल्डनेस पूरा एक जनरली एज ए जनरल मिले, या फिर कोल्डनेस ऑफ द सिंगल पार्ट देखने को मिलता है, कोल्डनेस इन जनरल या फिर सिंगल पार्ट आपको कैलीबैक्रोम में भी देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि हेड, स्टोमैक, एब्डोमेन, फीट या लेग्स का कोल्ड हो जाना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कोल्डनेस इज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग द मेंसेस। तो इस तरह का कोल्डनेस खास करके फीट कोल्ड हो जाता है, ऐसा आपको इसके मेंसुरेशन, गर्ल्स में मेंसुरेशन के दौरान भी ऐसा कोल्डनेस का सिम्टम देखने को मिलता है। एंड बहुत ही ज़्यादा मंदा सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, डैम्प और ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, चूंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से ये डैम्प या फिर किसी भी कोल्ड एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पे इसको कोल्ड होने का और कोल्ड के कारण कम प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन एवर्जन टू कोल्ड ओपन ईयर, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव टू कोल्ड है, कोल्ड से इसको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको ओपन ईयर में जाने से एवर्जन रहता है, नहीं जाना चाहता है, बिकॉज लिस्ट बीट ऑफ कोल्ड एयर गोज राइट थ्रू देम एंड ब्रिंग्स ऑल काइंड ऑफ द कंप्लेन। तो थोड़ा भी अगर ठंडा हवा का झोंका इसे पास हुआ तो इसमें प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए ये ओपन ईयर में जल्दी बंदा जाना नहीं चाहता, इसको एवर्जन रहता है।
एंड आइए इसके बाद है इसका जीआई सिम्टम। जीआई सिम्टम से बहुत ही ज़्यादा खास पिकुलियर है, खास करके ये जब बंदा बीमार होता है सिकनेस या फिर कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस का मतलब होता है रिकवरी पीरियड, ठीक है, जब बंदा डिजीज से उठा हो, ठीक है, रिकवर हो रहा हो, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कन्वेलेसेंस, ठीक है। तो कन्वेलेसेंस रिकवरी या फिर डिजीज कंडीशन में इसको एग का बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो ग्रेट लॉन्गिंग फॉर द एग्स, ठीक है, एंड क्रेविंग फॉर द इनडाइजेस्टिबल थिंग्स सच एज चॉक, कोल, पेंसिल, सॉल्ट, ठीक है। याद करिए हम आपको इस तरह के सिम्टम्स एलुमिना में भी बताए थे, तो एलुमिना के पेशेंट में भी इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। बट एवर्जन टू मीट, फैट एंड मिल्क, तो दूध दही खाने से इसको एवर्जन रहता है, किसी भी तरह का फैट लेने से एवर्जन रहता है, मीट खाने से एवर्जन रहता है, ठीक है। एंड देन है एसिडिटी ऑफ द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके कारण किसका सारा का सारा डिस्चार्ज सावर हो जाता है, जैसे सावर इरेक्टेशन, सावर वॉमिटिंग, सावर स्टूल एंड सावर ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। तो हर डिस्चार्ज इसका क्या होता है, सावर हो जाता है। एंड पिट ऑफ द स्टमक इज स्वेलन, इन्वर्टेड सॉसर एंड पेनफुल टू प्रेशर, तो इसका जो पिट होता है स्टमक का बीच वाला पोर्शन होता है वो ठीक इस तरह से ब्लॉटेड हो जाता है कि इन्वर्टेड सॉसर लाइक दिखता है, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा ब्लॉटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। एंड पेनफुल टू द प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर लगने से पेन होता है इसके स्टमक वाले पार्ट। देन जी आई में जो है इंपॉर्टेंट वो है इसका कॉन्स्टिपेशन। कैल्क्रिया काल की अगर हम बात करें तो ये पेशेंट जनरली हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड होता है, मतलब जनरली इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को ही मिलेगा, लेकिन जो पिकुलियर चीजें हैं वो है कि फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली, इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कि इसके स्टूल को मैकेनिकली निकालना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई डिजायर नहीं होता टू स्टूल पास द स्टूल। इस तरह का सिम्टम्स आपको एलो सेनिकुला सीपिया सेलिसिया में भी आपको देखने को मिलेगा। एंड आइए आफ्टर द जीआई जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है इसका फीमेल सिम्टम्स। फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेंसुरेशन बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही प्रोफ्यूज अमाउंट में आता है और जल्दी जाता भी नहीं है, तो टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड टू लॉन्ग लास्टिंग विथ सब्सिक्वेंट एमिनोरिया, ठीक है, तो प्रोफ्यूजली आता है लेकिन मेंसेस के बाद इसमें एमिनोरिया भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ मेंसेस, बिल्कुल, तो इस तरह का आपको इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा। समटाइम्स क्लोरोसिस इज ऑल्सो सीन विद द स्केंटी और द सप्रेस्ड मेंसेस, तो कभी कभी आपको पेशेंट में, गर्ल्स में या फीमेल में क्लोरोसिस देखने को मिलता है, मतलब स्किन पीला पीला पड़ जाना, ठीक है, एनिमिक टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलेगा खास करके एस्केंटी और सप्रेस्ड मेंसेस के साथ, तो जब मेंसेस इसका सप्रेस्ड हो गया हो या फिर एस्केंटी ब्लीडिंग होता हो तो इस कंडीशन में आपको इस तरह का सिम्टम देखने को मिलेगा। देन विथ मेंसुरेशन इट मे बी सीन दैट फिट हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प्स एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग और कंटिन्यूसली कोल्ड इन बेड। हाँ भी हमने आपको पहले भी बताया था कि मेंसेस के दौरान इसमें देखने को मिलेगा कोल्डनेस, तो यहाँ पे इसका जो फीट होता है वो भी मेंसेस के दौरान कोल्ड हो जाता है पूरा, और इस तरह से कोल्ड होता है कि लगता है कि एक कोल्ड डैम्प स्टॉक उसको पहना दिया गया हो, मतलब जुराब एक ठंडा सा पूरा एकदम भेगा हुआ तो पहना दिया गया हो, ठीक है, या और कंटिन्यूसली कोल्ड इन द बेड और बेड पर हमेशा कोल्ड ही रहता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोल्डनेस इसमें पिकुलियर होता है। एंड देन मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये भी इसका पिकुलियर है, किसी भी तरह का अगर मेंटल एक्साइटमेंट होता है, कोई भी एक्साइटमेंट का सिचुएशन आया, कोई एक्साइटमेंट का न्यूज आया, तो इसके कारण इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो फिर से रीअपियर हो जाता है, रिटर्न हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली, ठीक है, ऐसा सल्फर ट्यूबरक्यूलिनम में भी देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसको खास करके दिया जाता है फॉर द लंग डिजीज ऑफ टॉल सिलेंडर एंड रैपिडली ग्रोइंग यूथ, ठीक है, खास करके कोई टॉल सिलेंड्रिक बंदा हो, लंबे देह हो और रैपिडली ग्रोइंग यूथ हो, बहुत फास्ट ग्रोथ होता हो, तो ऐसे बंदे में हम अगर लंग डिजीज होता है तो वहाँ पे कैल्क्रिया कार्ड को सोच सकते हैं। एंड जनरली अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग अफेक्टेड, ठीक है, आर्सेनिक में भी ऐसा होता है, तो लंग का अपर राइट लंग्स का अपर थर्ड पोर्शन अफेक्टेड होता है, एंड अगर अपर लेफ्ट पोर्शन अफेक्टेड हो देन माइरिस्टिका एंड सल्फर। टॉल सिलेंडर अगर हो तो आप फास्फोरस को भी सोच सकते हो, लेकिन अगर उसके साथ रैपिडली ग्रोइंग कंस्टिट्यूशन हो तो ये हमें फास्फोरस से ज़्यादा कैल्क्रिया कार्प को सोचने को मजबूर कर देता है, ठीक है,
तो टॉल सिलेंडर एंड रैपिडली ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन गाइड्स कैल्केरिया कार्ब एज इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन द फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि टॉल सिलेंडर के साथ रैपिडली ग्रोइंग होना चाहिए, ठीक है। देन पेनलेस होर्सनेस एग्रेवेट इन द मॉर्निंग, तो थ्रॉट में इसका होर्सनेस फीलिंग होता है बट विदाउट पेन होता है, तो ये मॉर्निंग में एग्रेवेट करना। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक पार्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे अगर हम नजर डालें तो ये एक कंप्लीमेंट्री होता है बेलेडोना का, तो विच इज एक्यूट ऑफ द कैल्केरिया कार्ब। देन ए कैल्केरिया कार्ब एक्ट्स बिफोर लाइकोपोडियम नक्स वोमिका फॉस्फोरस एंड सिलीस, ठीक। तो लाइकोपोडियम नक्स वोमिका फॉस्फोरस एंड सिलीस से पहले कैल्केरिया कार्ब को अगर हम दें तो अच्छा काम करेगा, एंड इट फॉलोज नाइट्रिक एसिड पल्सेटिला एंड सल्फोर, ठीक है। तो इसके बाद ही दिया जाए, खास करके जब प्यूपिल्स डायलेटेड हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनमैन ये क्या कहते हैं, देखिए कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज्ड और गिवन बिफोर द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर बिकॉज इट मे प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन। तो कभी भी कैल्केरिया कार्ब को नाइट्रिक एसिड या सल्फर से पहले नहीं देना चाहिए, इसको बाद ही देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता। इट इज फॉलोड बाय कैलीबाइक्रोम, इसके बाद आप कैलीबाइक्रोम को भी दे सकते हैं, खास करके इन नेजल कैटरल इन्फ्लामेशन। बच्चे में जनरली इसको रिपीट किया जाता है, इन चिल्ड्रन इट मे बी ऑफन रिपीटेड, बट अगर यंग एज हो या एज्ड पीपल हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ द फर्स्ट डोज बेनिफिटेड इट यूजुअली डू हार्म। तो खास करके अगर फर्स्ट डोज पे आपको कुछ इस तरह का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता हो, ऐसा लगता हो कि फर्स्ट डोज इसमें काम किया हो, तो तब आप वहाँ रिपीट ना करें, तब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑल दीज आर अबाउट द कैल्केरिया कार्ब, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से इसको रीड करिए और फिर आप इसको माइंड में एक मैप बनाने की कोशिश करिए कि इस ड्रग में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट था। तो इसका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था वो था इसका कंस्टिट्यूशन, ठीक है, और कंस्टिट्यूशन में भी स्पेशली इसका चाइल्ड और दूसरा बोन एफेक्शन, ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिकुलियर है। इसके बाद जीआई सिम्टम्स भी कुछ इसका पिकुलियर था, ठीक है, जैसे कि इसका डिजायर क्रेविंग, ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड देन जो इम्पोर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स था, जो कि इसका एक गाइडिंग फीचर आप कह सकते हो, वो इसका स्वेट एंड कोल्डनेस था। तो ये सारी चीज़ें जो चार से पाँच चीज़ें ये इसका बहुत ही ज़्यादा खास है, ये आपके दिमाग से बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए, तो इस पार्ट पर आप फोकस करें। बाकी आप एक बार एलन की नोट को खोलिए और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है, तो ये ड्रग क्लियर हो जाएगा। तो इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।